हेलो 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 ओके, अगर मेरी वॉइस आप लोगों तक क्लियर पहुंच रही होगी तो यस टाइप करें प्लीज़। थैंक यू। ओके हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। जूलॉजी बीएससी फर्स्ट ईयर की इस क्लास में आपका सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में जनरल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा के बारे में पढ़ेंगे। इकाइनोडर्मेटा का हम क्या करेंगे, जनरल कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर पे। यूनिट 5 का लेक्चर है। यूनिट 5 में दो लेक्चर और दो तीन लेक्चर और होंगे, ठीक है? तो तीन लेक्चर इस 3 दिन में, उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद ये सेशन आपका कंप्लीट। अब आप 2000 बीएससी सेकेंड ईयर पे फिर मिलेंगे सभी, ठीक है? बीएससी फर्स्ट ईयर में आई थिंक ये लास्ट, इसके बाद 3 दिन, ठीक है? 3 दिन, 3 लेक्चर और होगा, उसके बाद सीधे आप मिलेंगे बीएससी सेकेंड ईयर में। वन मिनट, वन स्लाइड इज मिसिंग आई थिंक। ओके नाउ इट इज फाइन। चलिए स्टार्ट करते हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा के बारे में। ओके फाइलम इकाइनोडर्मेटा के बारे में, तो फाइलम इकाइनोडर्मेटा जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं, जनरल कैरेक्टर्स देखते हैं, इनका क्या क्या जनरल कैरेक्टर्स होती हैं। तो इस संघ के जंतु सामान्यतः समुद्री होते हैं तथा इनकी त्वचा पर कटिकाएं या स्पाइन्स पाई जाती हैं। त्वचा पर कटिकाएं पाए जाने के कारण ही हम इस संघ का नाम इकाइनोडर्मेटा कहते हैं। क्या बोल रहे हैं हम लोग, इस संघ के अधिकतर जो जंतु होते हैं वो अधिक क्या होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, मेराइन होते हैं, याद रखना। और इनका जो सरफेस होता है, त्वचा होता है, उन पर क्या पाए जाते हैं, कांटे पाए जाते हैं, स्पाइंस पाई जाती हैं। और स्पाइंस, इनकी जो त्वचा है, स्किन है, उस पर स्पाइन या कांटे पाए जाने के कारण इस ग्रुप का नाम क्या है, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस फाइलम को इकाइनोडर्मेटा। क्योंकि इकाइनो, इकाइनो का मतलब होता है ग्रीक में, इकाइनो मीन्स स्पाइन, स्पाइन, और डर्मेटा मतलब स्किन, ठीक है? इस इकाइनो मतलब स्पाइन या कांटे, डर्मेटा मतलब स्किन। तो जिसके स्किन पर क्या पाए जाएँ, स्किन पर, सॉरी, स्किन पर कांटे पाए जाएँ, जिसके स्किन पर कांटे पाए जाएँ, उस ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग कौन से फाइलम के अंतर्गत रखेंगे, फाइलम इकाइनोडर्मेटा, इकाइनो डर्माटा। ओके दूसरा पॉइंट देखते हैं। इकाइनोडर्मेटा संघ का नामकरण जैकब क्लेन नामक वैज्ञानिक ने 1738 ईस्वी में किया। इस संघ के जंतुओं के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। अब देखो, ये तो हमने जनरल कैरेक्टर, जनरल इंट्रोडक्शन देख लिया यहाँ पर, ठीक है? ये हो गया आपका जनरल इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। तो इकाइनोडर्मेटा का नामकरण, फाइलम इकाइनोडर्मेटा का नामकरण जैकब क्लेन नामक एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1738 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1738 ईस्वी में किया था। ओके तो ये आपने जनरल इंट्रोडक्शन भी देख लिया, अब हिस्ट्री भी देख लिया। तो जब आप आंसर लिखते हो ना, तो इंट्रोडक्शन लिखना पहले, फिर हिस्ट्री लिखना, फिर जनरल कैरेक्टर, इस टाइप से। ओके तो देखते हैं यहाँ पर जनरल कैरेक्टर्स में सबसे पहले देखते हैं हैबिटाट। इस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, फाइलम इकाइनोडर्मेटा के जंतु या फिर एनिमल्स क्या होते हैं, एक्सक्लूसिवली मेराइन, मतलब समुद्र में ही ये पाए जाते हैं। अब 99% ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, मरीन होते हैं, मतलब समुद्र में पाए जाते हैं, ठीक है? इकाइनोडर्मेटा का एक फेमस एग्जाम्पल क्या है, स्टार फिश। स्टार फिश ना, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, समुद्री, ठीक, जो भी हिंदी में बोलते हो, कि उसके तारा फिर मछली है, जो भी, ठीक
तो स्टार फिश क्या है, एग्जाम्पल है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे इकाइनोडर्मेटा के अलग अलग मेंबर, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर, यहाँ पर, ये क्या है, इकाइनोडर्मेटा के अलग अलग क्या हैं, मेंबर हैं। क्लियर, ठीक है। तो आपको इस स्लाइड, ये इतना समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। सभी को समझ में आ गया आई थिंक, ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं। सेकेंड कैरेक्टर्स की बात करते हैं, तो इनमें सिमिट्री की, ठीक है, सिमिट्री की बात करते हैं, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, सममिति, ठीक है। सिमिट्री को आप लोग क्या बोलते हो, सममिति। तो इस संघ के जंतु में दो प्रकार की सममिति पाई जाती है। कितने प्रकार की, दो प्रकार की सिमेट्री पाई जाती है। वयस्क प्राणियों में पंच तरी अरी सममिति पाई जाती है। मीन्स जो एडल्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं, एडल्ट इंडिविजुअल होते हैं, उनमें पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री पाया जाता है। ध्यान रखना इस चीज़ को, क्या पाया जाता है, पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। एवं लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, ठीक है। तो लार्वा में कैसा सिमेट्री पाया जाता है, बाइलेटरल सिमेट्री, लार्वा में बाइलेटरल, ठीक है। और एडल्ट में, एडल्ट में पाया जाता है आपका पेंटामेरस, पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री। ओके, तो इस चीज़ को एकदम याद रखना। अब पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री मीन्स का क्या, तो इसके जो एडल्ट मेंबर होते हैं ना, जो वयस्क मेंबर होते हैं, अगर उनकी बॉडी को हम लोग पांच अलग अलग प्लेन से, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, हम लोग पांच अलग अलग प्लेन से काटें, तो वो पांच किसी भी प्लेन से काटें, चाहे वो इस प्लेन से काटें, इधर से काटें, इधर से काटें, या फिर इधर से, किसी भी तरह से काटें, क्या होगा, ये दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है, दो बराबर भाग में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो चाहे आप इधर से काटो तो ये दो बराबर भाग हो गए, इधर से काटो तो ये और ये दो बराबर भाग हो गए, और इधर से काटो तो ये और ये दो बराबर भाग हो गए। तो आप पांच तरह से काटोगे, पांच अलग अलग तरीके से, पांच अलग अलग रेडियाई से, तो क्या होंगे, ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, इनके जो एडल्ट मेंबर हैं, इसको भी देख सकते हो आप यहाँ, ठीक है। क्लियर, स्टार फिश हैं ये, रेडियली सिमेट्रिकल बोल रहे हैं हम लोग, ठीक। और जो लार्वा होता है, लार्वा में क्या पाया जाता है, बाइलेटरल सिमेट्री। और बाइलेटरल सिमेट्री क्या होता है, तो जैसे हमारा बॉडी है ना, ह्यूमन बॉडी का, मतलब हम लोग इसको किसी एक ही प्लेन से काटेंगे, किसी एक प्लेन से, सारे प्लेन से नहीं, किसी एक प्लेन से या किसी एक रेडिया से। तो क्या होगा, इसी रेडिया नहीं बोलेंगे, प्लेन बोलेंगे, किसी एक प्लेन से काटेंगे तो दो बराबर भाग में, एक इधर एक इधर। तो इस तरह से इनके लार्वा को भी आप किसी एक प्लेन से काटते हो तो लार्वा क्या होगा, दो बराबर भाग में डिवाइड हो जाएगा, एक इधर एक इधर। उसके अलावा और किसी भी तरीके से आप कट नहीं कर सकते। तो ये था सिमेट्री, ठीक है। जिनको सिमेट्री नहीं पता होगा वो भी क्लियर हो गया होगा, बायलेटरल और रेडियल सिमेट्री क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड पॉइंट, जर्म लेयर की। तो ये कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं। कैसे एनिमल्स होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। और ट्रिप्लोब्लास्टिक कहने का मतलब क्या है, तीनों जर्म लेयर पाए जाएंगे ना, हम लोग पढ़े हैं ना, तीनों जर्म लेयर पाए जाते हैं। कौन कौन से, एक्टोडर्म पाया जाता है, मेजोडर्म पाया जाता है, ठीक है, और एंडोडर्म पाया जाता है। तो तीनों जर्म लेयर पाए जाते हैं, क्लियर। तो यहाँ आप ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन आप यहाँ देख रहे होंगे, तो एक्टोडर्म भी प्रेजेंट है बाहर की और सबसे बाहरी लेयर, एंडोडर्म उसके बाद भीतर की लेयर, और बीच का लेयर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती लेयर या मेसोडर्म। डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, किसको पता है डिप्लोब्लास्टिक, याद रखना ये सारी चीज़ें। ओके, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स किसको बोलते हैं, तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल जिसमें टू जर्म लेयर पाया जाता है, टू जर्म लेयर पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा सभी को। ओके, 1 मिनट। ओके, हो सकता है मेरा फेस आपको क्लियर न दिखे क्योंकि पावर चली गई है, तो आप ब्लैक बोर्ड पर फोकस करेंगे सारे स्टूडेंट।
नेक्स्ट देखते हैं चौथा पॉइंट, जिसको हम लोग बोल रहे हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या शारीरिक संगठन। ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, 1 मिनट, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है इसको देखते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को, शरीर संगठन हिंदी में। तो यहाँ पर अंग तंत्र, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड का क्या बात पाया जाता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या उनसे ग्रेड का, तो ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम, क्लियर। तो हम जानते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट क्या होता है मॉलिक्यूल, एटम होता है ना। एटम मिलकर, एटम क्या बनाता है, बहुत सारे एटम मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और फिर बहुत सारे मैक्रो मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाते हैं, से ऑर्गेनेलीज। ठीक है, ऑर्गेनेलीज की स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिर ऑर्गेनेलीज मिलकर सेल, ठीक है, सेल फिर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। फिर टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। और बहुत सारे ऑर्गन, ये पूरे ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। ठीक है, और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलकर क्या बनाते हैं, एक ही स्पीशीज के बोलते हैं, तो पॉपुलेशन। ठीक है, अगर एक ही स्पीशीज के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं तो पॉपुलेशन, और फिर अलग अलग स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म हैं तो फिर कम्युनिटी। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से क्या देखने को मिलता है, ठीक है, इस तरह से हायरार्की देखने को मिलती है ना। तो यहाँ तक ऑर्गेनिज्म तक ख़त्म होता है हायरार्की, क्लियर। तो ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। नेक्स्ट बात करें हेड की, तो इनका जो सिर होता है वो स्पष्ट नहीं होता है। ठीक है, सिर क्या होता है, स्पष्ट नहीं होता है। बॉडी सेगमेंटेशन की बात करें, जिसको हिंदी में खंडी भवन बोला जाता है, तो इन जंतुओं के शरीर में खंडी भवन अनुपस्थित होता है। मींस, ध्यान रखना, सेगमेंटेशन क्या होता है, सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है। हमने इससे पहले क्या देखा था, इंसेक्ट वगैरह में, इंसेक्ट में क्या था, सेगमेंटेशन पाए जाते थे ना। सेगमेंटेशन क्या होता था वहाँ पर, पाया जाता था, लेकिन यहाँ पर सेगमेंटेशन क्या है, एब्सेंट है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बॉडी कैविटी की बात करते हैं। नेक्स्ट 7th पॉइंट हम लोग देखते हैं बॉडी कैविटी। तो बॉडी कैविटी क्या होती है, बॉडी कैविटी यहाँ पर पाई जाती है। तो वास्तविक देह गुहा, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉडी कैविटी, या आप बोल सकते हो ट्रू सिलोम भी बोल सकते हो ना, ट्रू सिलोम। ठीक है, तो यहाँ पर सिलोम क्या होता है, पाई जाती है। वास्तविक देह गुहा एंटेरोसील कैविटी पाई जाती है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बॉडी कैविटी को, एंटेरोसील कैविटी, यहाँ पर एंटेरोसील कैविटी कहा जाता है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे सबसे बाहर में एक्टोडर्म, ठीक है, उसके बाद अंदर में क्या है, मेसोडर्म। ठीक, मेसोडर्म क्लियर है, उसके बाद एंडोडर्म क्लियर है। ठीक है, तो ये एक्टोडर्म, अंदर में ये जो येलोइश पार्ट क्या, एंडोडर्म, और फिर मीजोडर्म। ठीक है, ये क्या है आपका, मीजोडर्म, क्लियर। और ये जो वाइट पार्ट आप देख रहे हैं, क्लियर वाइट जोन, यही क्या है, यही सिलोम है, यही क्या है, सिलोम है। एक चीज़ याद रखना, सिलोम हमेशा, ठीक है, मीजोडर्म से घिरा रहता है। अगर वो मीजोडर्म से घिरा रहेगा तभी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रू सिलोम। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रू सिलोम, या वास्तविक सिलोम कब बोलते हैं, जब वह मीजोडर्म से घिरा हुआ रहता है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ बॉडी कैविटी पाई जाती है, और बॉडी कैविटी को एंटेरोसील कैविटी कहा जाता है, और ट्रू बॉडी कैविटी पाई जाती है, ट्रू बॉडी कैविटी, ना कि स्यूडो बॉडी कैविटी पाई जाती है। स्यूडो बॉडी कैविटी नहीं, ट्रू होता है, सत्य।
नेक्स्ट आठवें पॉइंट की बात करें तो शरीर पर ओरल सरफेस एवं एबोरल सरफेस पाई जाती है। तो इनकी बॉडी में दो सरफेस पाया जाता है, कौन कौन सा? ठीक है, एक को बोलते हैं हम लोग ओरल सरफेस और एक को बोलते हैं एबोरल। तो जैसे हमारे हाथ क्या होता है, हमारा बॉडी क्या होता है, हमारा बॉडी ठीक है वेंट्रल डोर्सल में ना, वेंट्रल में और डोर्सल में डिवाइड रहता है। ठीक है, जो पीछे हमारा बॉडी का जो पीछे वाला साइड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डोर्सल, क्या बोलते हैं? डोर्सल, और सामने का एरिया को वेंट्रल। ठीक है, इसका बॉडी क्या होता है, इसका बॉडी भी दो भाग में डिवाइड रहता है, क्या? ओरल सरफेस एक को बोलते हैं, दूसरा एबोरल सरफेस। क्लियर? जो हमारे हाथ की उंगलियां होती हैं, अपनी उंगली को देखिए, ठीक है, हमारी जो हाथ की उंगलियां होती हैं ना, तो आप अपनी उंगलियों को देखिए कि क्या होता है ओरल सरफेस और क्या होता है एबोरल सरफेस। तो अपनी उंगलियों को ऐसे कि ये हमारा क्या है, दिस वन इज़ द वेंट्रल ना, दिस वन इज़ द वेंट्रल एंड दिस वन इज़ द डॉर्सल। ठीक उसी तरह से उसमें क्या पाया जाता है, एबोरल सरफेस पाया जाता है और ठीक है क्या क्या पाए जाते हैं, एबोरल सरफेस पाया जाता है और ओरल सरफेस। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए जो एबोरल सरफेस है ना, एबोरल व्यू है, एबोरल व्यू में क्या, यानी कि जो हम लोग बोल सकते हैं ये आप एबोरल मीन्स आप बोल सकते हो डोर्सल एरिया, डोर्सल मतलब पीछे का एरिया। तो इनका जो एबोरल सरफेस होता है, डोर्सल सरफेस होता है, डोरल व्यू देखें तो उसमें हम लोग को क्या क्या देखने को मिलता है, तो इसमें एनस देखने को मिलता है, पीछे तरफ क्या देखने को मिलता है, एनस देखने को मिलता है। ठीक है, सेंट्रल डिस्क, आर्म्स, ये सभी तो पाए जाते हैं। ठीक, और एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैड्रीपोराइट। ठीक है, मैड्रीपोराइट बोलते हैं किस, क्या स्ट्रक्चर? मैड्रीपोराइट। और ये मैड्रीपोराइट क्या काम आता है आगे देखेंगे। तो याद रखना एबोरल सरफेस में दो स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट हैं, फर्स्ट तो एनस, सेकेंड मैड्रीपोराइट। वहीं हम लोग ओरल व्यू की बात करें या फिर ओरल सरफेस की, तो यहाँ पर माउथ, ठीक है, माउथ देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है? माउथ, माउथ की स्पेलिंग ये, माउथ देखने को मिलता है। और ये इसके आर्म्स होते हैं और इसमें देखो स्पाइंस लगे हुए हैं। क्लियर? तो ये ओरल सरफेस और एबोरल सरफेस समझ में आ गया होगा कि क्या है ओरल सरफेस और क्या है एबोरल सरफेस। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जल संवहन या ठीक है एम्ब्रेकल सिस्टम। जल संवहन, वाटर वेस्कुलर, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वाटर वेस्कुलर ना, वाटर वेस्कुलर या एम्ब्रोकल। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग? एम्ब्रेकल सिस्टम ये कहा जाता है। तो ये देखते हैं, तो इन जंतुओं का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है तो क्या पाया जाना, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम का या एम्ब्रोलेक्रल सिस्टम का पाया जाना क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है, इसको याद रखना। इस तंत्र में, मतलब इस तंत्र में नालपाद, नालपाद उपस्थित होते हैं। इस तंत्र में क्या होते हैं? नालपाद उपस्थित होते हैं। इनका काम प्रचलन, भोजन संग्रहण तथा श्वसन में भाग लेना है। तो यहाँ पे जो नालपाद बोल रहे हैं ना हम लोग, ठीक है, नालपाद, ये नालपाद का काम क्या होता है? तो इसका काम होता है मूवमेंट करने का, प्रचलन करने का, सेकंड भोजन संग्रहण करने का तथा रेस्पिरेशन या श्वसन में भाग लेना है। ठीक है, यहाँ पर अगर दिखाया गया होगा तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, जो यहाँ पर ये जो पैर होते हैं ना, ये क्या कहना चाहिए, पंख लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, पंख लाइक स्ट्रक्चर, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? नालपाद, ट्यूब फीट आप बोल सकते हो, क्या बोल रहे हैं? ट्यूब फीट। ठीक,
वाटर वैस्कुलर सिस्टम में या फिर जलवाहक तंत्र में मैड्रीपोराइट, जैसा कि हमने देखा था ना, मैड्रीपोराइट नामक एक छिद्र युक्त पट्टिका होती है जिससे जल शरीर के अंदर प्रवेश करता है। तो यहाँ पर मैड्रीपोराइट्स यहाँ पे पाए जा रहते हैं, हमने देखा था। यहाँ पर आप देखो ना, ठीक है, ये जो पैर हैं, ये पंख हैं, जिसे को हम लोग बोल रहे हैं नालपात ना, तो इसमें एक मैड्रीपोराइट पाया जा रहा था। तो यहाँ पर मैड्रीपोराइट के पाया जा रहा है, और इसी मैड्रीपोराइट के थ्रू क्या करता है, पानी अंदर की ओर एंटर करता है। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पर ये मैड्रीपोराइट लगा हुआ है, ठीक है, मैड्रीपोराइट। और मैड्रीपोराइट से क्या करेगा, जो यहाँ पर बाहर इसके सरफेस पे जो वाटर है ना, वाटर है, वो क्या करेंगे, यहीं से इसमें एंटर करेंगे। क्लियर? ओके। बात नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र की। तो ओपन टाइप का, किस प्रकार का ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एवं अल्प विकसित होता है, इसे हीमियल सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हीमियल सिस्टम, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, सिस्टम, हीमियल सिस्टम। अब हीमियल सिस्टम क्यों इसको बोलते हैं, देखो ध्यान रखना, चूंकि बॉडी क्या कर रहा है, बॉडी मैड्रीपोराइट के थ्रू, बॉडी में क्या हो रहा है, मैड्रीपोराइट के थ्रू क्या कर रहा है, वाटर एंटर कर रहा है, पानी क्या कर रहा है, मैड्रीपोराइट के थ्रू अंदर एंटर कर रहा है। तो ये वाटर के साथ, ठीक है, ये वाटर क्या करता है, बॉडी में एंटर करता है, और ये वाटर पूरे अलग अलग पार्ट्स में पहुंच जाते हैं इस तरह से। क्लियर? और ये वाटर क्या करता है, वाटर ही ऑक्सीजन का, किसका, ऑक्सीजन का क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब चूंकि वाटर ही ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर रहा है, इसलिए अलग से इसमें ब्लड, इसमें ब्लड भी नहीं पाया जाता है, ध्यान रखना, ब्लड नहीं पाया जाता है, क्योंकि ब्लड का काम क्या होता है, ब्लड हमारे बॉडी में क्या करते हैं, ब्लड भी तो आरबीसी भी क्या करता है, हमारा ऑक्सीजन को कैरी करता है ना, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। क्लियर? तो यहाँ पर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, वाटर कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर, यहाँ इसमें ब्लड नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। ओके, तो इसी इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हीमियल सिस्टम भी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग 11th पॉइंट देखते हैं, रेस्पिरेशन। तो एक्सक्रेटरी सिस्टम, ठीक है, अनुपस्थित होता है, मतलब उत्सर्जन तंत्र। तो आप अब एक कहोगे कि वेल डेवलप्ड, आप बोलोगे सर इसमें तो एनस पाए जा रहे थे, ठीक है, ठीक है, एनस पाया जाता है एक्सक्रीशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए एनस पाया जाता है, लेकिन ठीक है, जो वेल डेवलप एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं ना, जैसे कि अदर हायर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, हायर इंडिविजुअल में, वो यहाँ पर एब्सेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट नर्वस सिस्टम की बात करें, तो नर्वस सिस्टम अल्प विकसित होता है, कैसा होता है, अल्प विकसित, और ठीक है, नर्व रिंग और नर्व फाइबर का बना होता है नर्वस सिस्टम, नर्व फाइबर का। कहने का मतलब क्या है, ठीक है, इस तरह से नेटवर्क, नर्व का इस तरह से नेटवर्क फैला रहता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं नर्व रिंग और नर्व फाइबर। तो नर्वस सिस्टम अल्प विकसित होता है। 13वें पॉइंट की बात करें, रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन नालपाद व ब्रेंगिया के द्वारा, तो रेस्पिरेशन किसके द्वारा, जो नालपाद है ना, ट्यूब, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्यूब, ठीक है, ट्यूब सेल बोल रहे हैं, ट्यूब फीट बोल रहे हैं, नॉट सेल, ट्यूब फीट, इनके द्वारा क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, और ब्रेंकियाई के द्वारा। क्लियर? तो यहाँ पर आप ट्यूब फीट देख सकते हैं, तो इसी ट्यूब फीट के द्वारा क्या होता है, ट्यूब फीट के द्वारा रेस्पिरेशन होता है, और कुछ ब्रेंकियाई भी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ओके, अब ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम का क्या है, स्ट्रक्चर है, किसका, वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसमें, तो इकाइनोडर्मेट की। तो यहाँ आप मैड्रीपोराइट देख रहे होगे, मैं पहले बताया था वाटर वेस्कुलर सिस्टम में, तो इसके थ्रू क्या करता है, वाटर एंटर करता है, और वाटर
अलग अलग बॉडी पार्ट्स में फिर पहुंच जाता है, और वाटर के साथ साथ ऑक्सीजन भी क्या होते हैं, पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये ट्यूब फिट होता है, ये ट्यूब फिट, ठीक है, ऑक्सीजन इस तरह से अंदर एंटर करते हैं। अच्छा, इसको और थोड़ा सा डिटेल में समझो, देखो हो क्या रहा है, वाटर इधर मूव कर रहा है, ठीक है, इधर सॉरी, ये मैड्रिक प्लेट से अंदर आ रहा है, क्लियर। तो ये वाटर इधर इधर मूव करेगा, यहाँ इकट्ठा होकर, इधर ट्यूब फिट से क्या, इधर से ऑक्सीजन बॉडी में एंटर करते हैं, तो ये ऑक्सीजन, ठीक है। अब जब वाटर मूव करता है बॉडी सारी तरफ, तो क्या करता है, अपने साथ साथ ऑक्सीजन को भी ले आता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होते हैं, पूरी पूरे बॉडी में क्या करते हैं, ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, O2 को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की देख बारे में देखते हैं, इसमें जो क्या होते हैं, निषेचन होता है, इनमें नर और मादा अलग अलग होते हैं, अर्थात एकलिंगी होते हैं। कैसे होते हैं ये, ठीक है, डायसियस होते हैं, आपने पढ़ा है ना बॉटनी में, डायसियस, ठीक है, एक सेकेंड, व्हाट इज़ द डायसियस, ठीक है, डायसियस, जिसको हम, जिसमें क्या होता है, मेल अलग होंगे, मेल इंडिविजुअल अलग होंगे, और फीमेल इंडिविजुअल क्या होंगे, अलग होंगे। तो इसमें मेल फीमेल अलग होता है, मेल अलग होता है, और मेल और फीमेल अलग होंगे तो क्या, इसमें किस तरह का रिप्रोडक्शन पाया जाएगा, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाए जाएंगे, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट, इनमें लैंगिक प्रजनन पाया जाता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें पाया जाता है। इनमें अंतः निषेचन होता है, चूँकि से, और फर्टिलाइजेशन किस टाइप का होता है, याद रखना, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, कैसा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। आमतौर पे होता क्या है, जो मेराइन मेराइन या वाटर एनिमल होते हैं ना, वाटर में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल। लेकिन इकाइनोडर्मेट्स में कैसा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। उत्सर्जन अंग नहीं पाए जाते हैं, हम देख चुके हैं, ठीक है, रेस्पायरेटरी अलग से ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं जो, ठीक है, रेस्पायरेटरी ऑर्गन। तो फिर आप बोलेंगे सर ट्यूब सेल तो पाए जा रहे थे, ट्यूब सेल तो पाए जा रहे थे, तो याद रख, ट्यूब सेल पाए जाते हैं, लेकिन ट्यूब सेल का मेन काम भोजन पकड़ना, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके थ्रू भी रेस्पिरेशन होता है, और हार्ट वगैरह नहीं पाया जाता, ठीक है, हार्ट लंग्स ऐसा कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। इस संघ के जंतुओं में पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, तो इस संघ के जो एनिमल्स होते हैं ना, फाइलम इकाइनोडर्मेटा, उसमें हाई रीजनरेशन पावर होती है, ठीक है, रीजनरेशन की हाई पावर होती है। अब रीजनरेशन क्या होता है, सभी को पता है, पुनरुद्भवन, छिपकली आप सभी जानते हैं, ठीक है, छिपकली जब अटैक करती है किसी, छिपकली के ऊपर कोई भी ऑर्गेनिज्म जब अटैक करता है, या छिपकली को जब लगता है संकट है, तो क्या करती है, अपनी पूंछ को वहीं क्या करती है, वो त्याग देती है और फिर वहाँ से भाग जाती है, ये होता है। तो इसमें भी इनके जो अभी ऑर्गेनिज्म होते हैं इस मेंबर के, इस फाइलम के, तो उनमें भी रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है, मतलब जो ऑर्गन का लास्ट हो गया है, उस ऑर्गन को वो दोबारा क्या होते हैं, बना लेते हैं। काश इंसानों में भी पाया जाता है ऐसा, बताओ तो इंसानों का कौन सा ऑर्गन है, ह्यूमंस का कौन सा ऑर्गन है, ह्यूमन का, जिनमें रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है। हाँ, पता है किसी को कौन सा ऑर्गन है ह्यूमन का जिनमें रीजनरेशन की पोटेंशियल पाई जाती है, बताओ, लीवर में, जिसको आप लोग यकृत बोलते हो, ठीक है। आगे देखते हैं, इनमें परिवर्धन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में होता है, ठीक है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में, तो क्या बोल रहे हैं, हाँ, डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट या तो डायरेक्ट होगा या तो इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट डेवलपमेंट में किसी भी प्रकार के लार्वल स्टेज नहीं होते हैं, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है तो बहुत सारे लार्वा स्टेज देखने को मिलता है, लार्वल स्टेज, ठीक है, और उसके बाद एडल्ट हमें देखने को मिलता है, जबकि डायरेक्ट डेवलपमेंट में, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, जो यंग वन होता है, यंग होता है वही एडल्ट होता है, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वा में कुछ और दिखता है और एडल्ट में कुछ और दिखता है, जैसे आप देखते हो ना रेशम का कीड़ा, वो कीड़े के जैसा दिखता है लेकिन लास्ट में वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, तितली में, तो तितली अलग दिखा और ये अलग दिखा, जबकि कॉकरोच में देखोगे, छोटा कॉकरोच भी
ऐसा दिखेगा और बड़ा कॉकरोच भी ऐसे ही दिखेगा। ओके, बीसवां पॉइंट देखते हैं। जीवन चक्र में जब लार्वल अवस्था होती है तब लार्वा रूपांतरित होकर वयस्क में परिवर्तित हो जाता है। तो लाइफ साइकिल में लार्वल स्टेज आती है और लार्वल स्टेज कितने में रूपांतरित हो जाता है, तो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके लार्वा को क्या क्या बोला जाता है, बिपिनेरिया लार्वा, ठीक है, ब्रैंकुलेरिया लार्वा, प्लूटस लार्वा, इकाइनो प्लूटस लार्वा और आरुकेरिया, ठीक है, आरुकुलेरिया लार्वा। तो ये सारे इसके क्या होते हैं, लार्वा के नाम होते हैं। इकाइनोडर्मेटा के जो अलग अलग लार्वा पाए जाते हैं उनको इन सब नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन की बात करें। ये तो हमने जनरल कैरेक्टर्स देख लिया, अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, ठीक है। तो द क्लासिफिकेशन इज अडेप्टेड फ्रॉम हाइमन LH 1995, ओनली लिविंग क्लासेस एंड ऑर्डर हैव बीन डिस्क्राइब। तो देखो, ठीक है, क्लासिफिकेशन इज, तो इसको क्लासीफाई किसने किया था, तो हाइमन नामक साइंटिस्ट ने, LH हाइमन किस नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1995 में क्लासीफाई किया था इसको, ठीक है। और जितने भी लिविंग क्लासेस हैं उन्हीं को हम लोग पढ़ेंगे, और लिविंग ऑर्डर जो, ठीक है, फॉसिल्स या जो विलुप्त हो चुके हैं उनको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्लियर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सब फाइलम पहला, ठीक है, ये फाइलम क्या है, फाइलम इकाइनोडर्मेटा। तो सबसे पहला देखते हैं फाइलम के बाद क्या आएगा, सब फाइलम। तो पहला, सबसे पहला सब फाइलम, ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं पेलमेटाजोआ। क्या बोलते हैं हम लोग, पेलमेटाजोआ। पेलमेटाजोआ फाइलम का क्या विशेषता है बताते हैं। सवृंती स्थानबद्ध इकाइनोडर्म प्राणी इस उपसंघ में रखे गए हैं। तो फाइलम पेलमेटाजोआ के अंतर्गत कैसे, सवृंत, सवृंत मतलब, ठीक है, उसमें क्या पाया जाएगा, ऐसे इकाइनोडर्म जिनमें क्या पाया जाएगा, इस तरह से इकाइनोडर्म थे ना, तो ये क्या होंगे, ये इकाइनोडर्म एक स्टॉक के थ्रू, सपोज क्या है ये, इसका क्या है, स्टॉक है, और स्टॉक के थ्रू ये क्या होंगे, किसी सरफेस से चिपके होंगे, तो इसमें क्या पाया जाएगा, स्टॉक, इस तरह से स्टॉक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सवरिंग, जैसे फूल का स्टॉक होता है उसी तरह से। स्थानबद्ध इकाइनोडर्म प्राणी, स्थानबद्ध मतलब एक किसी पर्टिकुलर स्थान में रहेंगे, मतलब अगर एक स्थान पे यहाँ पर चिपके हुए रह रहे हैं तो ये यहीं पर रहेंगे, ये क्या करेंगे, मूव नहीं करेंगे दूसरे जगह, ठीक है, दूसरे जगह ये मूवमेंट नहीं करेंगे, यहीं पर इनकी लाइफ साइकिल चलेगी। तो ऐसे ही इकाइनोडर्मेटा जो इनमें क्या पाए जाते हैं, स्टॉक पाए जाते हैं, और जो स्थानबद्ध होते हैं मतलब एक ही स्थान में होते हैं, वो इस फाइलम के अंतर्गत आते हैं, किसके अंतर्गत, फाइलम पेलमेटाजोआ के अंतर्गत, ठीक है। अब पेलमेटाजोआ को भी क्या किया गया है, अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो इसमें फर्स्ट क्लास है क्रिनोइडा, ठीक है, क्रिनोइडिया क्या है, क्रिनोइडिया या क्रिनोइडी भी बोल सकते हैं आप लोग, क्रिनोइडी क्या है, सबसे पहला क्लास है कौन सा, क्रिनोइडा। और क्या विशेषता है क्रिनोइडा क्लास में, तो इस वर्ग के समुद्री, इस वर्ग में समुद्री लिली या फेदर स्टार आते हैं। तो जो सी लिली या फेदर स्टार्स हैं ना, वो किसके अंतर्गत आते हैं, इसी क्रिनोइडा क्लास के अंतर्गत, जिसमें, जिसको हम लोग पिच तारे बोलते हैं, मतलब फेदर्स पाए जाएंगे, फेदर्स लाइक स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, यह वृंत के द्वारा चिपके रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, आधार से, ठीक है, सबस्ट्रेटम से एक वृंत के द्वारा इस तरह से क्या होते हैं, चिपके रहते हैं, ठीक है, इस तरह से चिपके होंगे। नेक्स्ट, मुख एवं गुदा दोनों, मुख एवं गुदा दोनों मुख सतह पर उपस्थित होते हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं, ओरल सरफेस पर, ओरल सरफेस पर ही क्या होते हैं, माउथ भी प्रेजेंट होता है और एनस, दोनों प्रेजेंट होता है कहाँ पर, माउथ में भी और एनस पर भी, दोनों चीज़ें ये प्रेजेंट होती हैं, क्लियर। आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं, अरे 1 मिनट, 1 मिनट रुकेंगे प्लीज़। ओके, कंटिन्यू।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये हमने थर्ड ये पॉइंट देख लिया था कि माउथ और एनस ओरल सर्फेस पर पाए जाएंगे। सेकंड नेक्स्ट पॉइंट, मेड्रीपोराइड एवं पेडिसलेरिया अनुपस्थित, तो मेड्रीपोराइड्स और पेडिसलेरिया क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। भुजाएं शाखित एवं पिन्यूल से युक्त होती हैं, तो इनकी जो भुजाएं होती हैं ना, इनके जो आर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं? ब्रांच्ड होते हैं। इस तरह से आर्म्स होंगे वो क्या होंगे? शाखित होंगे, ठीक है, और पिन्यूल्स होंगे, इन भुजाओं में क्या होगा? पिन्यूल्स होगा। पेंटाक्रोनाइड या डोलियोरिया लार्वा उपस्थित, कौन कौन से लार्वा इसमें पाए जाते हैं इस क्लास में? तो पेंटाक्रोनाइड या डोलियोलेरिया लार्वा पाया जाता है, किसमें? क्रिनोइडा में। इसके अंतर्गत कई ऑर्डर आते हैं, जैसे फर्स्ट ऑर्डर है आर्टिकुलेरिया, ठीक है, किसके अंतर्गत? क्रिनोइडा के अंतर्गत एक ऑर्डर है आर्टिकुलेटा। क्या? आर्टिकुलेटा। आर्टिकुलेटा ऑर्डर में क्या होते हैं? अवरिंत एवं मुक्त प्लावी। अवरिंत एवं मुक्त प्लावी मीन्स फ्री फ्लोटिंग ना, फ्री फ्लोटिंग। इसमें स्टाक नहीं पाया जाएगा, ध्यान रखना, स्टाक नहीं पाया जाएगा। और ये कैसे होंगे? वाटर में कैसे करेंगे? वाटर में ये फ्लोट करेंगे, तैरेंगे, वाटर में तैरने लगेंगे। याद रखना, क्लास में उस क्लास में पाया जा रहा था, लेकिन इसका एक ऑर्डर है जिसको हम लोग बोलते हैं ठीक है, आर्टिकुलाटा। यहाँ पर फ्री फ्लोटिंग मेंबर्स पाए जाएंगे जो तैरेंगे समुद्र में। इसका एग्जांपल क्या है? एंटीडोन, जिसको हम लोग समुद्री लिली भी बोलते हैं, सी लिली भी बोलते हैं, और फेदर स्टार, जिसको हम लोग नियोमेट्रा बोलते हैं, पिच तारा। तो ये सी लिली आप देख रहे होंगे कि कैसे इसकी शाखाएँ क्या हैं? ब्रांचिंग है, शाखाएँ इनके क्या क्या हैं? ब्रांच्ड हैं। और ये क्या हो सकती हैं? ये अवरिंथ होते हैं, मतलब ये तैरते रहते हैं ना, तैरते रहते हैं समुद्र में। ओके, नेक्स्ट क्लास देखते हैं हम लोग, सेकेंड क्लास है हेट्रोस्टेलिया, ठीक है, आगे हेट्रोस्टेलिया। थर्ड क्लास है सिस्टिडिया, फोर्थ क्लास है ब्लास्टोडिया, और फिफ्थ क्लास है एड्रियो स्टेरोडिया, एड्रियो एस्टेरोडिया। ये क्या है? अलग अलग क्लास हैं। तो हाँ, ये जो क्लासेस हैं ना, ये जो ग्रीन में रिप्रेजेंटेड हैं, ये कैसे हैं? ये फोसिल इकाइनोडर्म है, ठीक है, फोसिल इकाइनोडर्म, मतलब ये अभी इसके किस रूप में? फोसिल्स के रूप में, ठीक है, अवशेष के रूप में है, अभी फोसिल्स के रूप में, ये अभी विलुप्त हो चुके हैं, तो हम विलुप्त वाले को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, विलुप्त है, नहीं है ये अभी। नेक्स्ट सब फाइलम, सब सेकेंड सब फाइलम हम लोग देखते हैं, ठीक है, यूलियोथीरोजेवा, ठीक है, क्या बोल रहे हैं? एल यू थीरोजेवा, ऐसे करके पढ़ो, एल यू थीरोजेवा, ठीक है, एल यू थीरोजेवा। एल यू थीरोजेवा फाइलम के बारे में देखते हैं। इस उपसंघ के अंतर्गत मुक्त जीवी इकाइनोडर्म आते हैं, तो इस फाइलम के अंतर्गत कैसे? फ्री फ्लोटिंग, ठीक है, फ्री फ्लोटिंग मीन्स समुद्र में क्या करेंगे? तैरते रहेंगे, किसी स्टाक के थ्रू या वृंत के थ्रू, ये किसी आधार से चिपके हुए नहीं रहेंगे, क्लियर। तो इस पहला क्लास है इसमें एस्ट्रोडिया, एस्टेरोडिया, एस्टरोडिया, ऐसा बोल सकते हो आप, एस्टरोडिया, एस्टर, जूलॉजी में बहुत हार्ड कठिन कठिन नॉमेनक्लेचर रहते हैं ना, तो एस्टरोडिया। तो क्लास एस्टरोडिया का कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो इस वर्ग के अंतर्गत स्टार फिशेस, सी स्टार आते हैं, तो इस वर्ग के अंतर्गत कौन सा, जिसको आप लोग बोलते हैं तारा मछली, स्टार फिश वगैरह ना, इसी फाइलम में आते हैं एस्टरोडिया। तो इसको क्लास को याद रखना, कौन से फाइलम के अंतर्गत आता है, तो एल यू थीरोजोआ और क्लास एस्टरोडिया, तो इसके अंतर्गत स्टार फिश आता है। शरीर चपटा तारे के समान होता है, पांच खंडी होता है, सही बात है, शरीर कैसा होता है? चपटा होता है, तारे के समान होता है। 1 मिनट। इसको मैं यहाँ रखूँ तब आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है, शरीर चपटा तारे के समान, बिल्कुल यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं, पांच खंड होते हैं, बिल्कुल पांच खंड होते हैं ये। अरी सममित, रेडियल सिमेट्री होता है। मुख्य सतह पर एम्ब्रेलिकुल खांच में चूसक युक्त नालपात पाया जाता है, तो इसका जो माउथ सर्फेस होता है ना, उसमें क्या पाया जाता है? उसमें एम्ब्रेलिकुल खांच में चूसक युक्त नालपात, मतलब
फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करने के लिए क्या पाए जाते हैं? ठीक है, चूषक पाए जाते हैं। गुदा तथा मैड्रीपोराइट एबोरल सरफेस पर स्थित होते हैं। ठीक है, हम लोग क्या बोल रहे हैं, एनस और मैड्रीपोराइट। एनस और मैड्रीपोराइट क्या होते हैं? एबोरल सरफेस पर। और माउथ क्या, यहाँ पर माउथ ओरल सरफेस पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप ओरल साइड देख रहे होंगे, एबोरल साइड, तो यहाँ पर आप एनस देख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर मैड्रीपोराइट और ये क्या है, ये माउथ है यहाँ पर। क्लियर। पेडिसिलेरिया उपस्थित होता है, पेडिसिलेरिया प्रेजेंट होता है और इसमें जलावर पाए जाते हैं, क्या हो क्या होता है, बाइपिनेरिया और ब्रैंकियो लायरिया होते हैं। बाइपिनेरिया और ब्रैंकियो लायरिया लार्वा पाए जाते हैं इस मेंबर में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, देखते हैं कितना बचा है। ओके, जल्दी से इसको फिनिश करते हैं, लेक्चर को कंप्लीट देखना, जल्दी इसको फिनिश कर देते हैं। ओके, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर का जो ऑर्डर होते हैं, तो ऑर्डर फेनेरोजोनिया। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर है फेनेरोजोनिया, और फेनेरोजोनिया की विशेषता क्या है, तो प्रत्येक भुजा में चूषक विहीन नाल फादों की दो कतारें पाई जाती हैं। तो प्रत्येक भुजा में क्या होता है, चूषक विहीन मतलब चूषक नहीं पाए जाते हैं इनके जो, ठीक है, ट्यूब फीट होते हैं ना, ट्यूब फीट होते हैं, नालपाद होते हैं, उसमें चूषक नहीं पाए जाते हैं और ट्यूब फीट दो लाइन में पाए जाते हैं। पेडिसलेरिया पाए जाते हैं लेकिन पेडिसलेरिया में स्टाक नहीं पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है ऑस्ट्रियोपेक्टियन और ल्यूडिया। सेकेंड क्लास है, सेकेंड ऑर्डर है स्पाइनोलोसा। ठीक है, स्पाइनोलोसा सेकेंड क्लास कौन सा, स्पाइनोलोसा। और यहाँ पर क्या, यहाँ पर जो एब्सेंट था वही यहाँ पर प्रेजेंट है, नालपाद मतलब ट्यूब सेल में चूषक पाए जा रहे हैं। समानता पेडिसलेरिया एब्सेंट और पेडिसलेरिया अनुपस्थित है, एब्सेंट है। एग्जाम्पल है इकाइनेस्टर और सोलेस्टर। तीसरा ऑर्डर की बात करें तो फोर्सीपुलेटा। तीसरा ऑर्डर कौन सा है, फोर्सीपुलेटा। कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं, सीमावर्ती प्लेट अस्पष्ट, तो इनमें जो प्लेटें होती हैं ना, प्लेट्स, वो क्लियर नहीं होते हैं। और पेडिसलेट पाया जाता है, पेडिसलेरिया पाया जाता है, याद रखना पेडिसलेरिया क्या होता है, पाया जाता है। और पेडिसलेरिया में क्या होते हैं, स्टाक पाए जाते हैं। क्लियर। एग्जाम्पल है स्टार फिश। तो इस, तो कम से कम इस ऑर्डर को याद रखना, किसको, फोर्सीपुलेटा को, फोर्सीपुलेटा को याद रखना, एस्टेरिस या स्टार फिश, क्योंकि इंपॉर्टेंट मेंबर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लास, सेकेंड क्लास, ठीक है, आफियो यूरोडिया। आफियो यूरोडिया, इसको आफियो यूरोडिया। तो इसकी इंपॉर्टेंट विशेषताएं, ब्रिटल स्टार कहलाते हैं, कैसे स्टार, ब्रिटल स्टार, और ऑटोमी प्रदर्शित करते हैं। अब ऑटोमी क्या होता है, ऑटोमी मतलब यहाँ आप देख रहे हो ना, यहाँ पे क्या पाए जा रहे हैं, या इस तरह से इसमें क्या पाए जा रहे हैं, फेदर्स लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आर्म्स हैं, ये जो आर्म्स हैं वो क्या करते हैं, छिपकली की भांति, कि कोई भी एनिमीज आते हैं ना, एनिमी, तो जैसे छिपकली अपना पूंछ क्या करता है वहाँ पर, ठीक है, छोड़ देता है, ठीक है, वही तरह से ये क्या करते हैं, अपने ये जो आर्म्स होते हैं ये छोड़ देते हैं और भाग जाते हैं वहाँ से। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अटोमी। क्लियर। अनेक लक्षणों में तारा मछली के समान, तो स्टार फिश के जैसा स्ट्रक्चर होता है। एम्ब्रुकल खांच का अभाव होता है, याद रखना एम्ब्रुलेकल खांच होता है वो एब्सेंट होता है। पेडिसलेरिया उपस्थित होती है और माउथ एवं मुख्य एवं मैड्रीपोराइट मुख्य सतह पर पाए जाते हैं। तो ओरल सरफेस पर क्या क्या पाए जाते हैं, ठीक है, माउथ और मैड्रीपोराइट। नॉर्मली क्या होता था, माउथ तो पाया जा रहा, माउथ तो ओरल सरफेस पर पाया जाता था, लेकिन मैड्रीपोराइट कहाँ होता, क्या कहाँ होता था, एबोरल सरफेस पर। लेकिन यहाँ पर एबोरल सरफेस पर मैड्रीपोराइट पाया जा रहा है, ओके, ओरल सरफेस पर, नॉट एबोरल। ऑर्डर की बात करें तो ऑफ्यूरी, ठीक है, ऑफ्यूरी फर्स्ट ऑर्डर है। क्या विशेषता है इसमें, सामान्यतः भंगुर तारे के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि यह अपनी क्षतिग्रस्त भुजा को पृथक कर सकता है। क्या बोल रहे हैं, भंगुर तारे, भंगुर तारे मतलब भंगुर स्टार फिश। क्यों, क्योंकि अपना जो भी क्षतिग्रस्त, मतलब ये जो आर्म्स थे ना, अगर इसको डैमेज हो गया, ये डैमेज हो गया, तो इसको क्या करेगा, ये यहाँ से अलग कर देगा, फिर यहाँ से क्या करेगा, ये नया बना लेगा, रिजेक्ट, क्योंकि रिजेक्शन की क्षमता होती है। पांच अशाखित भुजाएं पाई जाती हैं, तो पांच भुजाएं पाई जाती हैं जो अनब्रांच्ड होती हैं। एग्जांपल
अफ्यूरा और अफ्यूडर्मा। सेकेंड ऑर्डर है यूरली, ठीक है, यू रैली, यू रैली, और इसमें क्या विशेषताएं हैं, भुजाएं शाखित होती हैं। क्लास थर्ड इकाइनो, ठीक है, क्या है, इकाइनोडिया, याद रखना इकाइनोडिया। तो सामान्यतः समुद्री अर्चिन, जिसको सी अर्चिन बोलते हैं ना, और सैंड डॉलर के नाम से जाने जाते हैं, तो इस मेंबर में सी अर्चिन एक इम्पोर्टेंट मेंबर है, तो इसको याद रखना है इकाइनोडिया को। शरीर सूल से ढका होता है, तो बॉडी में क्या पाए जाते हैं, तो बॉडी में इस तरह से, बॉडी इस तरह से रहता है और बहुत सारे कांटे पाए जाते हैं, तो शरीर में क्या स्पाइंस पाए जाते हैं, कांटों से ढका रहता है। अरस्तु की लालटेन में दांत उपस्थित होते हैं, ठीक है, तो लेंटेन ऑफ एरिस्टोटल, ये ठीक है, लेंटेन ऑफ एरिस्टोटल मतलब, ठीक है, ये एक ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं, और उसमें क्या उपस्थित होते हैं, दांत पाए जाते हैं, ये एक ऑर्गेनिज्म जिसको अरस्तु की लालटेन कहा जाता है। पेडिसलेरिया एबसेंट होते हैं, क्या होता है, पेडिसलेरिया एबसेंट होता है। नेक्स्ट ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर स्टीरियो, ऑर्डर स्टाइरो डोंटा, क्या है, ऑर्डर स्टायरोडोंटा, और इसकी विशेषताएं हैं अपमुखी नालपाद चूसक रहित, ठीक है, अपमुखी नालपाद चूसक रहित, तो यहाँ पर चूसक नालपाद में नहीं पाए जाएंगे। एपिफाइसिस पृथक पृथक, तो इसमें एक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एपिफाइसिस, और एपिफाइसिस क्या होते हैं, ये अलग अलग होते हैं, एग्जाम्पल है आरबिशिया, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर की बात करें तो कैमेरोडोंटा, कैमेरोडोंटा, तो इसमें संयुक्त एपिफाइसिस, एपिफाइसिस यहाँ पृथक थे, यहाँ पर संयुक्त एपिफाइसिस पाए जाते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल है इकाइनस। ऑर्डर थर्ड, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लाइपे, क्लाइपे एस्ट्रोइडा, क्लाइपे एस्ट्रोइडा, तो क्लाइपे एस्ट्रोइडा क्या होते हैं, बॉटम, समुद्र के जो होते हैं ना सरफेस, सपोज करो ये समुद्र है, तो यहाँ सरफेस पर, बॉटम पर पाए जाते हैं, क्लियर, क्लाइपेस्टर इसका एग्जाम्पल है। चौथा ऑर्डर है स्टंगोल्डिया, स्टंगोल्डिया जिसको अरस्तु की लालटेन का अभाव, ठीक है, बिलकारी प्राणी मतलब यहाँ ये बिल वगैरह में पाए जाते हैं। तो ये था, ठीक है, थर्ड क्लास। हम लोग देखते हैं चौथा क्लास जिसको हम लोग बोलते हैं होलो थ्रोइडिया, क्या बोल रहे हैं, होलो थ्रोइडिया, ये इंपॉर्टेंट क्लास है, थोड़ा सा इसको देख लो, थोड़ा सा बस, होलोथ्रोइडिया, ओके, 2 मिनट, ये लास्ट स्लाइड है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा, एक और स्लाइड है, ओके, थोड़ा सा तो लंबा खींचा रहा है, चलो जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं। तो सामान्यतः समुद्री खीरे के नाम से जाना जाता है इसको, किसके नाम से, समुद्री खीरे नाम से। नालपाद में चूसक पाए जाते हैं, याद रखना, जो नालपाद था ना, फीट सेल थे, उसमें चूसक पाए जाते हैं मुख एवं गुदा विपरीत ध्रुव में। अब यहाँ क्या पाया जाता है, होलोथ्रोइडिया में एक्सटीरियर, एंटीरियर और पोस्टेरियर रीजन, ठीक है, ये एंटीरियर रीजन है, ठीक है, और ये पोस्टेरियर रीजन, ठीक है, तो यहाँ पर क्या पाया, ये बोरल, बोरल का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, मुख एवं गुदा विपरीत मतलब माउथ और एनस क्या होंगे, अलग अलग जगह में पाए जाएंगे। भुजाओं पर सूलों का अभाव होता है, मतलब स्पाइंस नहीं पाए जाते हैं। पेडिसिलेरिया एबसेंट होती है, और रेस्पिरेशन, ठीक है, प्राय उपस्थित, ठीक है, वृक्ष प्राय के द्वारा, ठीक है, होता है। ऑर्डर, पहला ऑर्डर की बात करें तो एसपी, एसपीओ काइरोटा, एसपीओ काइरोटा, एसपीडो, सॉरी, एसपीडो काइरोटा क्या है, इसका एक ऑर्डर है, और इसकी विशेषताएं होती हैं कि इसके जो माउथ होते हैं उसमें, ठीक है, पेल्टेट उपस्थित होते हैं। पेल्टेट मतलब क्या होते हैं, स्पर्शक ना, और इस छतरी का आकार स्पर्शक क्या होते हैं, एबसेंट होते हैं। श्वसन वृक्ष उपस्थित होता है जिसके थ्रू ये श्वसन करते हैं, और होलोथूरिया इसका क्या है, एग्जाम्पल है। सेकेंड ऑर्डर है इलास्पोडा, ठीक है, इलास्पियोडा, सामान्यतः गहरे समुद्र में पाए जाते हैं, इस ऑर्डर के मेंबर सामान्यतः गहरे समुद्र में, और जो इनका स्पर्शक होता है वो पत्ती के आकार होता है, एग्जाम्पल कोलगा, ठीक है। डेंड्रो, नेक्स्ट है डेंड्रो काइरोटा, डेंड्रो काइरोटा में क्या होता है, मुख्य स्पर्शक शाखित होते हैं, और श्वसन वृक्ष उपस्थित होता है जिसके थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, और एग्जाम्पल है कुकू मैरिया। नेक्स्ट ऑर्डर है ऑर्डर मालपाडोनिया, और मालपाडोनिया की इंपॉर्टेंट विशेषता है कि शरीर का पिछला सिरा संकरा एवं पूंछ जैसा होता है, और श्वसन वृक्ष उपस्थित होते हैं, ठीक है, शरीर का पिछला सिरा संकरा होता है और टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है,
क्लियर। और इसका एग्जांपल है मालपाडिया। तो यहाँ पर इकाइनोडर्मेटा का क्या होता है, जनरल इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप स्टडी, ठीक है, टाइप स्टडी पढ़ेंगे। और आपकी 5 बजे क्लास नहीं होगी, ध्यान रखना 5 बजे क्लास नहीं होगी, ठीक है, ओके। 3 दिन इतना ही टाइम पढ़ो और फिर ख़त्म, ठीक है, थैंक यू।